बरामद तो उसमें नाइट्रिक एसिड से लेके कुछ पाउडर भी बरामद हुए हैं, सब सील करके और उसको लैब में भेजा गया है लखनऊ। और ये संभावना है कि दूध में केमिकल वगैरह मिला करके उसको ये बांट दें, कि वहाँ से जो फूड कमिश्नर हैं लखनऊ की मंडल की, वो आई थी यहाँ कार्यालय चेक करने के लिए, अपनी कार्यालय चेक करके ये वापस जा रही थी लखनऊ। वापस जाते समय रास्ते में इनको कुछ संदिग्ध मिला दूध का, वो तो इन्होंने गाड़ी रोक करके और सबको बुलवा करके वो चेक करना शुरू कर दी। पूरा कैंपस सीज कर दिया गया है, उनका जो टैंकर पकड़ा गया था वो सीज कर दिया गया है। सीज करने के बाद से उसको चौकी इंचार्ज को दे दिया गया है, पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है।